विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया और पूरे महीने को आत्महत्या रोकथाम माह के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और गुजरात पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाया जाएगा। सहकर्मी सलाहकार करने के लिए नियोजित कर रहे हैं। ठीक उसी तरह गुजरात की राजधानी गांधीनगर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर गांधीनगर में सहकर्मी परामर्श प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण आज भारत में पहली बार गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य मेहमान डॉक्टर दिलीप मावलंगर, डॉक्टर जयंती रवि, डॉक्टर मुकेश सक्सेना महानिदेशक, जीएस मलिक महानिरीक्षक शिरकत कर कार्यक्रम की रूपरेखा का संज्ञान किया। सहकर्मी परामर्श प्रशिक्षण मतलब की प्राथमिक मानसिक उपचार एवं परामर्श सेवा है, जिसमें स्वयं सेवक सहकर्मी जो कि प्रशिक्षित होते हैं वे अपने साथियों की मदद कर अन्य कर्मियों की भी मदद कर मानसिकता से बाहर लाते हैं। आपको बता दें कि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार सशस्त्र बलों में डिप्रेशन आम नागरिकों की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। सशस्त्र बलों में 2012 एवं 2015 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में 149 एवं BSF में लगभग 134 आत्महत्याएं हुई हैं। इन सत्य आंकड़ों को लेकर आज सशस्त्र बल की मानसिकता और बीमारी पर ध्यान अधिक मात्रा में दिया जा रहा है, जिससे बढ़ते आंकड़े को रोका जा सके। लेकिन तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में सर्वाधिक आत्महत्याएं हुई हैं। यह आंकड़े इंगित करते हैं कि मानसिक बीमारियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेडिकल के मुख्य मुकेश सक्सेना ने बताया कि आज कल सरकारी फोर्स में मानसिकता का तनाव और सरकारी कर्मचारी तनाव में ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से वो कोई गलत कदम उठा लेता है। आर्मी, BSF में, CISF में, अन्य सरकारी फोर्स के नौजवान जब अपने घर छुट्टी पे जाते हैं और वापस लौटते हैं तो उनका पूरा मेडिकल तपास किया जाता है ताकि उसे कोई चेप या वायरस न लगा हो। लेकिन आज पूरे भारत में यह प्रथम कार्यक्रम ऐसा है जहां सशस्त्र बलों के कर्मियों के बारे में प्रशिक्षण रखा गया, जिसमें लगभग सभी जगह से आर्मी, BSF, CISF के लोग सम्मिलित होकर सहकर्मी पुस्तिका का विमोचन किया। सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ साथ केंद्रीय और राज्य पुलिस संगठनों के बीच मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की प्रारंभिक पहचान और सेना के सदस्यों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में अंतराल को पूरा करने के लिए एक रणनीतिक कार्य योजना विकसित करना होगा। पुलिस अनुसंधान में और विकास ब्यूरो पुलिस कर्मियों में मनोवैज्ञानिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। इज दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम फैमिली इन ट्रूप्स बी इट द बिल्डिंग यूनिट्स जवान्स और द थिक टैंक्स द ऑफिसर्स